तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ यार मेरी तरह ही हो गया यार। मतलब जॉब नहीं है बट ठीक है, फिर भी सब लोग अच्छे ही होंगे और मिल जाएगी जॉब भी। अगर स्टडी करोगे अच्छे से तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मेरी ड्यूटी का अभी कॉल आया कि आपको आना है। 10:30 बजे का कॉल दिया है। 10:30 बजे का जब भी कॉल देता है मतलब 2 घंटे पहले ही कॉल करेगा। जो भी कॉल देगा वो 2 घंटे पहले कॉल कर देते हैं, रेलवे का यही रूल है, ताकि कोई बंदा अगर अकेला रहता है तो उसको खाना वाना बनाने में आराम से आसानी हो सके, फिर आ सके अच्छे से। तो इसलिए 2 घंटे पहले कॉल दिया गया। तो मेरे को दिया है रूट कौन सा, रामपुरा से जाएंगे सिंथिया, मतलब वर्धमान की साइड में पड़ता है सिंथिया, तो उसमें जाएंगे। तो कॉल आते ही मैं तो अभी नहा के आराम से आ गया हूँ, और इस टाइम भी बज रहा है कितना, 9:05 हो रहा है। मैंने आंटी को भी बोल दिया खाना वाना बनाने के लिए, वो खाना बना लेगी, फिर खा के पैक करके फिर निकलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग ना मतलब अच्छे से स्टडी करें, ये वैकेंसी के बारे में ना सोचें कि वैकेंसी कब आएगी तभी मैं स्टडी करूँ, ज़रूरी नहीं है। आप अपनी रूटीन में चलने दीजिए, स्टडी अच्छी होगी तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि यार मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना? क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कॉन्फिडेंस लाइए और अच्छे से कीजिए। मतलब तब तक मैं रेडी हो लेता हूँ, ठीक है? फिर निकलते हैं, ठीक है? लोको खड़ा है, वो तो कन्वेंशनल लोको है। ये जो भैया जी गए अभी ड्यूटी करके गए, ऐसी हालत हो जाती है यार एक असिस्टेंट लोको पायलट की। ये देखो, ये ट्रेक मशीन स्टाफ रूम है। वो देखो, वो भैया लोको चेक कर रहे हैं, अंडर फ्रेम चेक कर रहे हैं, अभी वो दोनों चेक कर रहे हैं। ये देखिए क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये ट्रैक के लिए है, इस लाइन के लिए कि बराबर है कि नहीं, इक्वल साइज में, ये चेक करने के लिए है। तो बैठकर चेक कर सकते हैं। वो भैया देख रहे हैं बार बार। वो देखो, वो भैया चेक कर रहे हैं। वो अभी MR1 MR2 इनका ना ड्रेन आउट कर रहे हैं, वो ड्रेन कोक है, उनको ड्रेन कर रहे हैं। मैं आ चुका हूँ गाइस स्टेशन पे। ये देखो मेरा फोबड़ा कैसे दिखाऊँ यार, हो गया ना पसीना पसीना। ठीक है ना, मस्त है ना। कोई टाइम पे मैं ऐसे खड़ा रहता था यार स्टेशन पे। जब कोई टाइम पे ऐसा खड़ा रहता था ना, तो ऐसा लगता था यार कि मतलब वैसे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं लोको पायलट बनूंगा या असिस्टेंट लोको पायलट बनूंगा, बस वो तो वक्त के साथ बन गए, पर बाद में मकसद बन गया कि अब तो बनना ही है। देखिए रामपुर हाट जंक्शन, इसके अंदर जाना है, ऊपर की साइड मेरी लॉबी है। तो मैं लॉबी आ गया गाइस, मैं करूंगा साइन ऑन यहाँ से, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस हम यहाँ से, मैं सेंथिया जो कॉल आया था, तो पैसेंजर ट्रेन से बैठकर सेंथिया जा रहे हैं, फिर सेंथिया से ट्रेन लेके आएंगे वापस रामपुरा हाट।
ऐसा है सिस्टम आज का। मुझे पहले लगा कंफ्यूजन था कि यहीं से ट्रेन लेके जाना है फिर तुरंत दूसरी ट्रेन लेके वापस आना है, ऐसा था। बट ऐसा नहीं है, पैसेंजर गाड़ी से यहाँ से बैठ के जाएंगे, वहाँ से ट्रेन लेके आएंगे। और गार्ड भैया तो मतलब कि ब्रेक वाहन में चले गए और लोको पायलट भैया मेरे पास में बैठे हैं। तो गाइस मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ आ चुका हूँ और गाड़ी भी ऑलरेडी लगी हुई है, पर वो तो गार्ड भैया और वो लोको पायलट भैया मतलब चाबी लेने के लिए गए हैं। कैब की जो चाबी लगानी होती है, थ्री फेस इंजन है तो उसकी चाबी वगैरह जो चाहिए वो लेने के लिए गए हैं। तो मुझे कहा कि यहीं पे रहो, बैग का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। तो ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है स्टेशन पर, मतलब प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ मैं। ट्रेन को उसमें से आ रहा है तो गाइस मेरी हो चुकी है ड्यूटी खत्म और मैं निकल रहा हूँ अब रूम पे। मेरे को लग रही है भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि आज ना ड्यूटी ऐसा था कि बैक कॉल था, मतलब जहाँ जाना था वहाँ से तो हम पैसेंजर से चले गए थे, लेकिन आते टाइम पे हमको जो जिस ट्रेन से आना था उस ट्रेन का मतलब चार स्टेशन ही पार करके आना था, जो हमारा यही हेडक्वार्टर था। चार स्टेशन ही थे, चार स्टेशन में हमको बताओ 10 घंटे लग गए, और इसी को तो कहते हैं ड्यूटी। तो अभी मैं निकल रहा हूँ रूम पे, मेरी हालत ख़राब हो जाती है यार। शर्ट ना शर्ट एक दिन में ही गंदी हो जाती है तो धोना पड़ता है रोज़ाना, पर ठीक है धो लेंगे उसको। तो जब ड्यूटी लग गई है, काम ही करना पड़ गया तो सारा काम ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं जाऊँगा, आंटी को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था कि आंटी खाना बना के रख लेना, मैं आ रहा हूँ। आंटी ने कहा ठीक है बेटे आ जाओ, तो मैं जा रहा हूँ। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे को सब लोग देखते हैं यार, मेरे को अजीब लगता है, जिसकी वजह से मैं कई बार बोल भी नहीं पाता यार। ठीक है धीरे धीरे डर ख़त्म करना पड़ेगा इस चीज़ का यार, है तो है यार, अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब अपना ख्याल रखें, फैमिली का ख्याल रखें, पढ़ाई करें अच्छे से और अपने ऊपर फोकस करें, सब कुछ अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्माइल तो कर दिया करो यार।